हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। आज हम लोग के पास 2024 की लेटेस्ट बजाज पल्सर 220F का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है आज हम लोग के पास, जिसमें अब आपको ये नए ग्राफिक्स का अपडेट मिल जाता है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप चेक करो तो नया मीटर मिल जाता है डिजिटली, क्योंकि पूरा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो USB पोर्ट मिलता है अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, ये रियल लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है आज वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में कितना परसेंट ये मोबाइल को चार्ज करता है, स्टार्ट रहने पे चार्ज करता है कि बंद रहने पे चार्ज करता है। सारी डिटेल है आपको वीडियो में मिल जाएगी। आप लोग वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप अगर देखो तो यहाँ पर नए ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी जो मैंने मोबाइल फ़ोन अपना लगाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें 92% बैटरी अभी, यहाँ से अगर आप देखो, कैमरा फोकस नहीं कर रहा हो सर, हाँ अगर आप यहाँ से देखो इसमें 92% अभी बैटरी है अवेलेबल, देख सकते हो आप। और यहाँ पर 243 हुआ है। अगर जैसे आप इग्निशन इसकी ऑन करोगे तो अभी लगा हुआ है फ़ोन, आप देख सकते हो कोई भी चार्जिंग नहीं है, लेकिन जैसे इसको अपन ऑन करते हैं वैसे यहाँ पर चार्जिंग शुरू हो गई। तो अब देखते हैं कितनी देर में कितना चार्ज करता है। तो 243 है, 92% बैटरी है, रुक के थोड़ा देखते हैं कितनी देर में कितनी परसेंट चार्ज होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी इसमें लगभग, या आप देखेंगे अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो अभी 245 हो गया है। मैंने इसको 243 पे लगाया था तो 92 थी और 245 पे ये 93 हो गई। तो लगभग ये मतलब 2 मिनट के अंदर में 1% चार्ज कर देता है इसकी बैटरी को मतलब। तो जैसा कि अगर मान लीजिए कभी आपके फ़ोन में बैटरी डेड हो जाती है तो ये मतलब एक प्रैक्टिकल फीचर्स में सही में दे रखा है इसके USB पोर्ट का। 2 मिनट में 1% मतलब ये बैटरी चार्ज कर देती है। और अगर आपकी बाइक बंद है तो ये चार्जिंग कुछ भी नहीं होगी, जैसे ही आप ऑन करोगे तभी चार्जिंग होगी। तो ये आपके डाउट क्लियर होंगे कि ऐसे कुछ यहाँ पर चार्जिंग का प्रोसेस रहता है। बाकी यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो और कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस ये आपको इसमें चार्जिंग का इसका टाइम वगैरह रहने वाला है। तो आप समझ चुके होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। उसी के साथ में कुछ यही थी इसको ओवरऑल वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।